गुड इवनिंग एवरीबडी, आई एम ऑडिबल। Few students are still joining. We'll just wait for a minute, just so that they should not lose anything. That's all. There is some little network problem. Voice is breaking. So is it now audible? Okay. So see, thing is that it is rainy season and now monsoon is returning. So you can understand, being in basically Konkan region, we face lot of network electricity issue in this particular period. I hope I am audible to you, but today's lecture will not be taken by me. Okay, it will be taken by Yogesh sir, and I am seeing Yogesh sir's presence. I'll just check with him here only whether he is able to hear me and whether he will be able to present and take the lecture, whether he has got network. Yogesh sir, zara sanga mala, tumhala network vagere ahe ka? हाँ सर, आता आले नेटवर्क, आवाज येत नाहीये, तुम्ही जरा बोला, आवाज येईल नाउ सर, आवाज येतोय का माझा? ओके, एकदम एकदम व्यवस्थित येतोय, जस्ट 2 मिनिटं तुम्ही म्यूट करा, मी मुलांशी बोलतो अँड देन विल कंटिन्यू। येतोय व्यवस्थित येतोय, योगेश सर तुम्हाला आवाज येतोय का माझा? आय वॉन्ट टू स्टार्ट। शंकर सर प्लीज रिस्पॉन्ड, शंकर सर, योगेश सर, वेदर आय एम ऑडिबल। सर योगेश लेफ्ट झालाय, तुम्हाला माझा आवाज येतो की नाही हे तर सांगा, मी देतो ब्रीफिंग। हा सर, तुमचा आवाज येतोय क्लिअरली मला, ठीक आहे, ओके। सो अदर्स ऑल्सो नीड टू रिस्पॉन्ड इन सिमिलर फॅशन। सी आय सेड इट्स अ रेनी सीझन अँड मान्सून इज रिटर्निंग, सो प्रोबॅबली वी ऑलवेज फेस इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट प्रॉब्लेम इन अवर कोंकण रिजन। वी सी मोस्ट ऑफ द मान्सून रेन इन दिस पर्टिक्युलर पिरियड जून टू सप्टेंबर। सो दिस इज वेअर यू हॅव टू ऍडजस्ट, because if you want some good coaching and teaching, then probably certain adjustment you need to do.
लाईक वॉट आय एम ऑब्झर्विंग इज नाऊ इट्स 9:06 म्हणजे 9:06 हुए है, फिर भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके जैसे नाम बताने की जरूरत नहीं है, बट जैसे कि अभी संदेश काटकर जी ने ज्वाइन किया, तो मतलब ये इनडिसिप्लिन नहीं चलेगी। सी आप 22,000 दीजिए, नहीं तो 22 लाख दीजिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली। पैसे कमाने के लिए क्लास शुरू नहीं किया है, ये क्लास इसलिए कि आप डिसिप्लिन रहे, 2-4 साल डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करे, तो प्रोबेबली आगे जाके एक डिसिप्लिन ऑफिसर बनेंगे, तो देश कहीं ज्यादा तरक्की करे और करप्शन से और जो गलत चीजें ब्यूरोक्रेसी में होती है उनसे बाहर आ जाए। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता है आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आई है। वैसे अपने पास रजिस्ट्रेशन तकरीबन 30 लोगों का है, बट इसमें से कितने लोग लास्ट तक टिके रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन 4 दिन में ही आपका निकल जाएगा। बट एनीवेज, अवर 5 लेक्चर्स जो पहले फ्री है उसमें एक्सपेक्टेशन ये था कि हम आपको क्लियर करें कि हमारा तरीका क्या है एंड हम चाहते क्या है आपसे। सेकंड चीज था कि आपको थोड़ा आइडिया दे दे कि सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट 2 थिंग्स वेर कवर्ड। मेरी आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। एंड रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे हैं मोबाइल पे कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ बैठे हैं तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मतलब आपके घर पे आके थाली में कोई यूपीएससी का कैडर वन नंबर रैंकिंग नहीं डाल के जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने मेरी तरीके से जितना हो सके उतना अच्छे से आपको बताने की कोशिश की कि क्यों कैसे अप्रोच किया जा सकता है इन अ लॉन्ग टर्म वे। लंबी मतलब कोई 12वीं में है, कोई 11th में है, या कोई 9-10th में है, तो आवर इंटेंशंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस या हमारी अरेंजमेंट इन्हीं बच्चों के लिए है। फिर सेकेंड लेक्चर में योगेश सर ने, जो खुद यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है और पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इज द राइट पर्सन टू डिलीवर लेक्चर ऑन द डिटेल्स ऑफ सिलेबस। फिर मैंने कुछ लोगों से वेरीफाई भी किया, तो उन लोगों ने बोला भी कि सर सेकेंड टाइम आपने जो पहली बार लेक्चर लिया था उसका डिटेलिंग किया गया, बट कुछ बाकी है, तो उस कुछ बाकी को अभी हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि 800 लेक्चर में कम से कम 8-10 बार तो आपका सिलेबस बेसिकली रिपीट किया जाएगा, तो वी विल नॉट गेट इनटू दैट। आज फिर से मानसून रिटर्न की वजह से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बट जब तक आपको सुनाई दे रहा है योगेश सर कंटिन्यू करेंगे। टुडे ही विल बी टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी आज आप जानते ही है कि लड़ाई बॉर्डर पे कम और इकोनॉमी में ज्यादा होती है, तो ये जो इकोनॉमी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है इस पे योगेश सर अच्छे से रोशनी डालेंगे। हिंदी मराठी इंग्लिश में बात करेंगे, तो इंग्लिश हिंदी उनका रहेगा एक 80%, 20% मराठी आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है वो ऑपरेट हो रही है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के सबब से, तो सबको थोड़ा मराठी का आदत डालना पड़ेगा, भले आप बिलासपुर से हो, बिहार से हो, कर्नाटक से हो, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो मराठी अच्छे से समझते हैं। तो पहले 10-20 लेक्चर में थोड़ा मराठी का कंटेंट रहेगा, एंड देन वी विल स्विच टू हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्योंकि मुझे जो पहले 6 मिनट लेट बच्चे आए उनका तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा कि उनको सीधा करना जरूरी है। कि करनी है क्लास तो भाई आपको टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो मत आओ, देर इज नो फोर्स। 5 लेक्चर के बाद अभी भी आप टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाउ योगेश सर, इफ ही हैज गॉट नेटवर्क एंड ही कैन प्रेजेंट एंड ही मे प्लीज कंटिन्यू। योगेश सर प्लीज कंटिन्यू करिए, अगर नेटवर्क वगैरह आपका साथ दे रहा है तो। यस सर, अभी नेटवर्क फाइन है। मेरी आवाज आ रही है सभी? और जब तक हाँ आ रही है सर, और जब तक आपका नेटवर्क और ये चलेगा, जब भी आपको ये महसूस होगा 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो यू कैन स्टॉप, देर इज नो प्रॉब्लम। ये 5 क्लासेस जो है वो 5 घंटे की नहीं होनी चाहिए, 15-15 मिनट की भी चलेंगी, कि बच्चों को समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाने वाले योगेश सर, शंकर सर, मंगलम सर, आरती मैडम, संतोष टकले, वैशाली मैडम, ये लोगों का पढ़ाने का तरीका हमारे तरीके से मैच कर रहा है कि नहीं। सो इस तरीके से आप शांति से चलिए, सिलेबस कवरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वैसे ये सब लोग 2022 या उसके बाद ही एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि 2021 की रिक्वायरमेंट हम एक्चुअली एड्रेस नहीं कर रहे, हम लोग
लोग लॉन्ग टर्म बच्चों को एडमिट कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी एंड नाउ योगेश सर विल कंटिन्यू बिफोर नेटवर्क गोज आउट. ओके थैंक यू सर, कंटिन्यू प्लीज. थैंक यू, बाय. ओके सर, थैंक यू सर. ओके सॉरी फॉर द स्मॉल डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था, तो अभी नेटवर्क का इशू रिजॉल्व हो चुका है. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ ओके ओके आ रही. ओके फिर से मुझे कंफर्म करिए स्टूडेंट्स प्लीज, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट यस सर, चैट बॉक्स में. ऑडिबल. ओके ओके ठीक है. नो नीड टू टर्न ऑन योर माइक वेन एवर आई से इफ आई एम ऑडिबल और नॉट. आपको सिर्फ चैट बॉक्स में यस और नो लिखना है, ठीक है. ओके और जो स्क्रीन प्रेजेंट की गई है वो आपको सभी को दिख रही है. ओके ठीक है, तो स्क्रीन भी दिख रही है और आवाज भी ठीक से आ रही है. ओके सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमी. ठीक है, सो इकोनॉमी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन द यूपीएससी, जैसा आपको पता है. ठीक है, और इकोनॉमी हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं उसमें भी इकोनॉमी इंक्लूडेड है. ठीक है, सो इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल. ओके सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमी. ओके सो इकोनॉमी में हमारा हमने सिलेबस क्या है वो हम देखेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले कि जो भी इकोनॉमी का सिलेबस है ठीक है उसको हमने इस पिलर में डिवाइड किया गया है. इन 6 पिलर्स में हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है. ठीक है, सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, सेकेंड वन इज बजट फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी, थर्ड वन इज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ वन इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज पिलर्स, बट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पिलर दैट इज मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, और उसके जो बेसिक्स है उससे हम आज स्टार्ट करेंगे. ओके सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पिलर, वेरी फर्स्ट पिलर एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज मनी. ओके ओके सो बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्टली गोइंग इन टू द टॉपिक, उससे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. ओके सो यहाँ पे आप नोटिस किया होगा कि लेक्चर का भी नाम हमारे क्या है, इकोनॉमी है नॉट इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ये एक वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन है हमारे मन में आ सकता है कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, क्या ये दोनों चीजें सेम ही है या फिर कुछ अलग अलग है. तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. ओके सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो मैं उनको पढ़ता हूँ और उसको आपको बहुत ही ईजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द मियरली थियोरेटिकल फेनोमेनॉन. ओके वाइल इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड बिहेवियर ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ. ओके सो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इकोनॉमिक्स इज मियरली अ थियोरेटिकल फेनोमेनॉन. ओके ये तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स मतलब जो थ्योरी होती है और ये सब उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर मियरली थियोरेटिकल फेनोमेनॉन. ठीक है, और जब उन थियोरेटिकल फेनोमेनॉन्स को हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो जब उसके रिजल्ट को या उसके इफेक्ट को या उसके बिहेवियर को जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी. ओके सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. ओके तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी है. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके सो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ थियोरेटिकल फेनोमेनॉन एंड इट डील्स विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन
एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब जो चीजें होती है वो हम खरीदते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, और सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि सर्विसेज द थिंग्स दैट आर नॉट टेंजिबल, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर केयर की हमारी सर्विस होती है, ठीक है, वो हमको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बेच रहे लेकिन वो एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, तो इस सोशल साइंस की चीज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, ओके। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है दैट यू कैनॉट कंसिडर इकोनॉमी विदाउट कंसिडरिंग अ रीजन, ओके। मतलब जब भी आप इकोनॉमी वर्ड यूज करते हो तो उसके साथ साथ आपको रीजन भी अटैच करना पड़ता है, या फिर कोई प्लेस या फिर कंट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ यूरोप, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ मुंबई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इकोनॉमी इज रिलेटेड विथ द प्लेस और एनी एरिया पर्टिकुलर, ओके। इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमी वर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी इस वर्ड का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देखोगे तो वो दैट इज जीरो। व्हेन प्लेस इट अटैच्ड और एनी कंट्री और अ रीजन इज अटैच्ड टू द इकोनॉमी देन वो मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है, बस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि जो हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैलकुलेट करने के नए नए तरीके कौन से हैं, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कंट्री का जो जीडीपी होता है उसी से हमें पता चलता है कि कितने रिसोर्सेस कितने गुड्स उस कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक। लेकिन ये हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह, ये कॉन्सेप्ट्स हुए। लेकिन जब हम उनको अप्लाई करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उसका उसका स्टडी है, उसे बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। लेट अस मूव ऑन। सो जो हमने ये सिक्स पिलर्स देखे, ठीक है, मनी बैंकिंग फाइनेंस देन बजट फाइनेंस कमीशन जीएसटी, जो हमने ये सिक्स पिलर में डिवाइड किया है, तो उसका टॉपिक वाइज मार्क्स यूटिलिटी इन एग्जाम, ठीक है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं, आपको चार्ट दिख रहा है, एवरीबडी प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे जो हमने सिक्स पिलर्स में डिवाइड किया था तो उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो फर्स्ट पिलर इज मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है इसमें प्रीलिम्स के लिए है और ये है यहाँ पे मेंस के लिए, तो यहाँ पे ये मेंस के लिए है, ठीक है। 2016, 17, 18, 19 और मेंस के लिए भी 16, 17, 18 और 19, ठीक है। तो जो फर्स्ट पिलर है उसमें हम देख सकते हैं कि 2016 में प्रीलिम्स के लिए 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 यहाँ से, ठीक है। 2017 में भी इस पिलर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 7 पूछे गए थे, 2019 में 7 पूछे गए थे, ठीक है। इसी तरह मेंस के लिए 25 मार्क्स के लिए 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पिलर से, पहले फर्स्ट पिलर से, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पिलर में कितने हैं, थर्ड पिलर में कितने हैं, फोर्थ पिलर में कितने हैं, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर एंड यू कैन ऑब्जर्व, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है टोटली
2016 में प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से 1929 क्वेश्चन आए थे. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं 29 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन 2016 प्रीलिम्स. ओके, 2017 में भी 29, 2018 में भी 20, 25, 2019 में 28 क्वेश्चन. ठीक है, और मेंस के लिए 2016 में 175 मार्क्स के जो क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे इकोनॉमी से रिलेटेड, वो थे 175 मार्क्स के. ठीक है, 2017 में 140 मार्क्स, 2018 में 180 मार्क्स. ओके, सो इस प्रकार से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इससे हमें समझ में आता है कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है और किस टॉपिक को ज्यादा महत्व देना चाहिए. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट पिलर, दैट इज मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस. ओके, उसमें से हम फर्स्ट जो टॉपिक है मनी, उससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो मनी इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी एंड डिजिटल पेमेंट्स. ओके, और उसके बाद भी कई और टॉपिक है, लेकिन इस लेक्चर में देखते हैं हम कितना कवर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मनी, मतलब मनी ओरिजिन कहाँ से हुआ. ठीक है, सेकंड फंक्शंस, थर्ड वन इज इवोल्यूशन, मनी कैसे इवॉल्व हुआ, और फोर्थ में टाइप्स ऑफ मनी, एंड फिफ्थ डिजिटल पेमेंट. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ मनी. ओके, सो अभी हम जो मनी यूज करते हैं, ठीक है, कैश और कॉइन्स. ठीक है, तो मनी मतलब होता क्या है बेसिकली? मनी की अगर डेफिनेशन हम देखने अलग है, तो मनी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? हम किसी चीज को खरीदने के लिए एक्सचेंज करते हैं मनी से. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एगो व्हेन देयर वर नो एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, तो उस टाइम पे लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते थे क्या? ठीक है, आज तो हम लोग मनी के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस टाइम पे कैसे ट्रांजेक्शन होते थे? तो वहां पे बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था. ठीक है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली. ठीक है, हिंदी में उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली. तो जो बार्टर सिस्टम यूज होता था पुराने जमाने में, मतलब क्या था उसका? कि वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज किए जाते थे. ठीक है, आज हम पैसे के बदले जो थिंग्स, गुड्स एंड सर्विस है, वो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि थिंग्स आर एक्सचेंज विथ थिंग्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 किलो गेहूं है और मुझे 2 किलो दाल चाहिए, ठीक है, और कोई दूसरा किसान है जिसके पास 2 किलो दाल है और उसे 2 किलो गेहूं चाहिए, तो मैं उसे 2 किलो गेहूं दे दूंगा और 2 किलो दाल उससे ले लूंगा. सो ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड. ओके, सो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन उस जमाने में होते थे, और उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ओके, तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी? ये अच्छा तो चल रहा था, चीजों के बदले चीजें दिया दिया करते थे. ठीक है, टमाटर के बदले कुछ और ले लिया, ठीक है, मड़के के बदले कुछ मड़का बनाने वाले को कुछ और दे दिया, ऐसा अच्छा चल तो रहा था. मनी की क्या जरूरत पड़ी? तो इस सिस्टम के बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेजेस है. तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम? द फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ड्स. ठीक है, उसका मतलब होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग. ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ड्स मीन्स इफ आई वॉन्ट 5 kg दाल एंड आई हैव 5 kg ऑफ व्हीट, आई हैव टू सर्च अ पर्सन हु वॉन्ट टू एक्सेप्ट माई 5 kg ऑफ वीट एंड ही इज एग्री टू गिव मी 5 kg ऑफ दाल. ओके, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है कि जिसको 5 kg दाल देनी है और 5 kg का गेहूं उसे खरीदना है, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है. ठीक है, और इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ठीक है, मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मतलब दो लोगों को आवश्यकता होनी चाहिए और उनके पास जो
अगले व्यक्ति को चीज चाहिए और उसको जो बेचनी है उससे भी मैच करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उसका डिसएडवांटेज था। दूसरा क्या डिसएडवांटेज था, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कभी कभी क्या होता था कि बहुत हाई हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 किलो टमाटर है, ठीक है, लेकिन टमाटर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही है और टमाटर की बहुत डिमांड है और मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए। गेहूं बड़ी इजीली से अवेलेबल है लेकिन गेहूं खरीदने के लिए मेरे पास एक्सचेंज के लिए सिर्फ टमाटर ही है, ठीक है। लेकिन टमाटर की कीमत हाई होने के कारण मैं उसका फायदा नहीं उठा पाता और मुझे 5 किलो टमाटर दे के 5 किलो गेहूं खरीदना खरीदना पड़ेगा जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब सस्ता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ही हाई हो गई, ठीक है। मुझे बहुत ही हाई कॉस्ट पे करनी पड़ी गेहूं खरीदने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से डिफिकल्ट टू स्टोरेज द पेरिशेबल कमोडिटीज, ठीक है। और एक क्या डिसएडवांटेजेस था कि स्टोरेज करने जो पेरिशेबल कमोडिटीज थी उनको स्टोरेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता था। फॉर एग्जाम्पल अगर टमाटोज है, ठीक है, मैंने अगर टोमेटो उगाए हैं तो मुझे वो टोमेटो सड़ने से पहले ही उनको बेचना पड़ता था, ठीक है। इसका मतलब वो पेरिशेबल कमोडिटीज, मतलब क्या, जो खराब हो जाती है, पेरिश हो जाती है, उन कमोडिटीज को बोलते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज, ठीक है। तो अभी जो हम मनी यूज करते हैं वो खराब नहीं होते, नोट नोट या फिर कॉइन्स यूज करते हैं, दे आर नॉट पेरिशेबल, ओके। तो ये हुआ तीसरा डिसएडवांटेजेस तीसरा डिसएडवांटेज। देन द फोर्थ वन इज इट डोंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। सो बार्टर सिस्टम वर नॉट इनकरेजिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम हमारे घर में जो भी चीजें लगती है हम सभी खुद प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में गेहूं हमको खाना बनाने के लिए लगता है, टीवी लगता है, जो बहुत सारी चीजें है, ठीक है, चादर है, क्लोथ्स है, कपड़े है, ठीक है, टेबल है, फैन है, ये सब हम खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, हम खरीदते हैं। कुछ चीजें हम खुद भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो किसान होते हैं वो कुछ गेहूं या फिर कुछ उनके खेत में उगाते हैं, लेकिन वो भी उनके जरूरत की सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। तो जो बार्टर सिस्टम है उसमें क्या होता था कि जो जरूरत की सारी चीजें हैं वो किसी एक व्यक्ति को सारी की सारी उसको प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, क्योंकि जो उसको चीज नहीं मिल रही है, जो उसको बाहर से खरीदनी पड़ती थी एक्सचेंज के रूप में, कभी कभी वो नहीं मिल पाती थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अबो थ्री डिसएडवांटेजेस। और उससे क्या होता था कि अगर मुझे टमाटर चाहिए लेकिन टमाटर कोई और उगा ही नहीं रहा तो मुझे ही टमाटर उगाने पड़ते थे। इसी तरह जो भी चीज बाहर नहीं मिल रही वो सारी चीजें मुझे ही खुद ही प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। और इससे क्या होता था कि स्पेशलाइजेशन जो है, ठीक है, एक मटका बनाने वाला है वो मटका बनाने में स्पेशल है, कुम्हार जो लोग होते हैं तो उनको भी टमाटर गेहूं ये सब उगाने में ये उगाना स्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिस चीज में स्किल्ड है वो परस्यू नहीं कर पाता था, ठीक है, और इससे डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी एंड फंजिबिलिटी प्रॉब्लम, ओके। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम में हम जो भी कमोडिटीज है उनको डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मटका है और उसको खरीदने के लिए उसको एक्सचेंज के रूप में मुझे 5 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 किलो ही गेहूं है और एक व्यक्ति के पास सिर्फ दूसरे व्यक्ति के पास 3 किलो गेहूं है, ठीक है। तो दोनों से मुझे अगर खरीदना पड़ेगा तो मैं अपने मटके को तोड़ नहीं सकता, ठीक है, हाफ में डिवाइड करके इसको थोड़ा और इसको थोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो कमोडिटी है उसका डिविजन नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या है, आज जो हमारे पास मनी होती है वो 100 रुपीज के हम 50-50 रुपीज करके उसको ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सो देर वर अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फंजिबिलिटी प्रॉब्लम, ओके। सो ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम, जब ये सब प्रॉब्लम लोगों को फेस करने पड़े तब आया कॉन्सेप्ट मनी का, ठीक है।
लोगों को ऐसा लगा कि एक कोई ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए कि उससे हम सारी बाकी की चीजें एक्सचेंज कर पाए और उससे हम खरीद या बेच पाए। ठीक है, सो इससे मनी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हाउ मनी वॉज ओरिजिनेटेड और हाउ मनी वॉज इन्वेंटेड। मनी वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम दी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज कंटिंजेंट। ओके, तो प्राइमरी जो मनी का सबसे पहला काम क्या है, इट इज मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो भी चीजें होती है उसको हम मनी के इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास है तो हम उस ग्लास की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? मनी से। उसको कितने पैसे देकर खरीदा गया है या फिर उसे कितने पैसे देकर बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसका यूनिट होता है किलोमीटर, फीट, इंचेस वगैरह। ठीक है, वैसे ही लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये यूनिट यूज करते हैं। वैसे वैल्यू को मेजर करने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मनी इज यूज्ड फॉर मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, नाउ सेकंड वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। ओके, मनी क्या है, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं, तो मैं मीडियम क्या यूज कर रहा हूं, मनी यूज कर रहा हूं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई चीज के बदले चीज खरीदी जाती थी। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंडरी फंक्शन का है, जब ये दो प्राइमरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है और यही इसे इसे ही डिफिनेशन उसकी बनती है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन भी क्या है मनी के, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू है हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, हम अपने पास मनी को स्टोर कर सकते हैं। राइट, और जब चाहे उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टमाटर गेहूं वगैरह, उनका उनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि उनको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते थे। राइट, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब हम वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सीमा पे जवान है, ठीक है, उनकी जो सैलरी होती है वो उनके घर वालों तक पहुंचती है, ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो सकता है। आप भी हम भी किसी अपने फ्रेंड को या घर वालों को पैसे जब भेजते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर रहे हैं। तो ये मनी के द्वारा पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज डिफर्ड पेमेंट्स। सो डिफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर हम जैसे एयरटेल की कोई स्कीम चल रही है कि आप आईफोन एक्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है, और 10 10 महीने में आपको 4,000 कर 4,000 4,000 ऐसे पर मंथ आपको पैसे देने हैं, और आपका टोटल प्राइस आपको मतलब जो छोटे छोटे कंसाइनमेंट में आपको पैसे देने हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये भी हम मनी के द्वारा इसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और जो लास्ट में है कंटिंजेंट, मतलब प्रासंगिक जो मनी के क्या फंक्शन है, इट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, देन फाइनेंशियल मार्केट, देन इंप्लॉइंग फैक्टर इनपुट, क्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सो ये लैटर जो मनी के फंक्शंस है उसमें आता है। क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, हमारे क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है मनी, फाइनेंशियल मार्केट में इम्प्लॉयज को हायर करने के लिए और नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मनी का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो हमने देख लिया कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर मनी आया। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ? नाउ टुडे व्हाट वी यूज एज मनी, वी यूज पेपर मनी, नोट्स, कॉइन्स, देन देन वी यूज डिजिटल पेमेंट्स ऑल्सो, देन क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अवेलेबल। राइट, तो ये सब चीजें शुरुआत से ही इसका ओरिजिन हुई क्या? नहीं, तो पहले मनी कमोडिटी मनी के रूप में थी, उसके बाद मेटालिक मनी, पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटालिक मनी, फिर उसके बाद पेपर मनी आया, फिर बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, डिजिटल पेमेंट्स, और लेटेस्ट वर्जन है मनी का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। ठीक है, तो
तो इसके बारे में हम जानते हैं कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। सो बार्टर, उससे पहले कि हम इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़े, उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, सो वैल्यू ऑफ कमोडिटी और एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कमोडिटी है, उसका अगर हम यूज मनी के लिए कर रहे हैं तो उस चीज की भी कोई वैल्यू है, ठीक है, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अंतर्भूत कीमत, अंतर्भूत मूल्य उसे बोला जाता है। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले क्या हुआ, द फर्स्ट मनी कम्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कमोडिटी मनी। तो बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिसका हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करें, तो कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी में क्या आता है कि लोग क्या करने लगे कि आयरन नेल्स, देन बियर पेल्ट्स, एनिमल टीथ्स, कोकोआ बीन, गोल्ड नगेट्स, ये सारी चीजों का क्या करने लगे, यूज करने लगे एज ए मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन आयरन नेल्स होते थे, जो लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, वो क्या होते थे पिछले जमाने में, वो बहुत ही रेयर होते थे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, उनको कलेक्ट करते थे और उसी को ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी मनी वर यूज्ड। बियर पेल्ट्स, जो भालू की खाल उसे बोलते हैं, उसको यूज किया जाता था एज ए मनी के रूप में। देन कोकोआ बीन्स, अफ्रीका में कोकोआ के बीन्स यूज किए जाते थे। और इसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है क्या, फॉर एग्जाम्पल कोकोआ बीन्स है तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है क्या, यस, मतलब कोकोआ बीन्स को हम एज ए मनी यूज कर रहे हैं, लेकिन एक कोकोआ बीन की उसकी खुद की भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 रुपीज का नोट देखिए, तो 100 रुपीज का नोट, हम 100 रुपीज उसकी वैल्यू है, लेकिन सिर्फ उस 100 नोट को हम नोट ना समझकर, एक मिनट के लिए हम उसे नोट नहीं समझते हैं, उसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझते हैं। तो जो 100 रुपीज का जो नोट होता है, उसको उसका जो कागज का टुकड़ा होता है, वो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू तो निग्लिजिबल है, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर गांधी जी का फोटो है, 100 रुपीज का मार्क है, वो हमारे गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, उस पर गवर्नर का साइन है, इसीलिए उसको 100 रुपीज की वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, मतलब उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कमोडिटी मनीज होती थी, उनकी एक पर्टिकुलर इंट्रेंसिक वैल्यू हुआ करती थी। और जो कमोडिटी मनी है, उसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स वर एसोसिएटेड विद द कमोडिटी मनी। द फर्स्ट वन इज, इट इज पेरिशेबल, नॉन प्योर, नो फॉरिन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो कमोडिटी मनीज थी, उसमें भी देर आर मेनी टाइप ऑफ मनीज वर यूज दैट वर पेरिशेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कोकोआ बीन्स है, वो क्या है, सम आफ्टर सम टाइम्स इट विल गेट पेरिश, वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्योर, प्योरिटी का मुद्दा, कुछ जो आ, आ, हमारे कोकोआ बीन्स होते हैं वो खराब भी होते हैं। ठीक है, कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, तो प्योरिटी भी यूनिफॉर्मली उसमें नहीं थी। ठीक है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता था कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब है, और अफ्रीका के जंगल में एक ट्राइब है, और वो कोकोआ बीन्स का इस्तेमाल करती है एज ए मनी। ठीक है, और एक दिन दूसरे ट्राइब के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, उनका कम्युनिकेशन हुआ, और उनके साथ उनको व्यापार करना है, लेकिन जब उन्होंने कोकोआ बीन्स के बदले कुछ खरीदना चाहा दूसरी ट्राइब के लोगों के साथ, तो दूसरे ट्राइब के लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कोकोआ बीन्स को एज अ मनी यूज नहीं करते थे, वो कोई और चीज यूज करते थे। मतलब इट वॉज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड, एंड जब कोई फॉरेनर को फॉरेनर के साथ ट्रांजेक्शन करना होता था, तो वहां पे प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मेटेलिक मनी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो जब मेटेलिक मनी आया, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए, द फर्स्ट वन इज, इट इज नॉट पेरिशेबल। ठीक है, मेटेलिक मनी जो होते हैं वो पेरिशेबल नहीं होते। ठीक है, उसकी प्योरिटी भी यूनिफॉर्मली हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक मनी क्या था, मेटेलिक मनी वॉज व्हेन
किंग्स स्टैम्प देयर स्टैम्प ऑन कॉइन्स. ओके. इन इंडिया इंडो ग्रीक किंग्स एंड कुशाना किंग्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स इन इंडिया. ओके. सो किंग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, तो उनका स्टैम्प है, उनका जो शाही निशान होता है, वो मेटल्स के कॉइन्स पर उसको स्टैम्प करते थे और उसको एज ए मनी यूज किया जाता था. ठीक है. तो मुगल के जो मुगल काल में जो वेरियस कॉइन्स है वो आज भी अवेलेबल है, हमको म्यूजियम में वो देख सकते हैं. ठीक है. तो इंडिया में जो इंडो ग्रीक किंग्स जो थे उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया कॉइन्स. ठीक है. जो कुशाना किंग्स थे उन किंग्स ने इंडिया में फर्स्ट जो मेटेलिक कॉइन का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. और कमोडिटी मनी की, मेटेलिक मनी की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है क्या? यस, इट हैज इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू. ठीक है. जो कॉइन यूज किया जाता है उस कॉइन की भी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू है. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कॉइन्स. ठीक है. तो दो तरह के कॉइन्स होते हैं बेसिकली, फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स. तो फुल बॉडीड कॉइन्स का क्या मतलब है? इंट्रेंसिक वैल्यू इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू. ओके. तो जो फुल बॉडीड कॉइन है उसका क्या मतलब होता है कि उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो दैट इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक महात्मा गांधी का एक कॉइन इशू किया हुआ था, सोने का कॉइन था. ठीक है. 100 रुपीज का. तो 100 रुपीज का सोने का कॉइन हमारे गवर्नमेंट ने इशू किया था गांधी जयंती के, महात्मा गांधी के कुछ 100 कुछ साल हुए थे. ठीक है. मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था गांधी जी का लाइफ का, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए एक कॉइन इशू किया था 100 रुपीज का. ठीक है. तो वो गोल्ड का था, उसकी फेस वैल्यू थी 100, लेकिन उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी थी? 100 से कई ज्यादा थी, क्योंकि वो उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था. तो फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं कि उनकी जो खुद की वैल्यू है दैट इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू. ठीक है. उसका एक, इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ. तो हमारे जो 5 रुपए के जो पुराने कॉइन्स है तो वो बांग्लादेश में स्मगल किए जाते थे और उसको मेल्ट करके उसके एक कॉइन से 10 रेजर ब्लेड बनाए जाते थे. ठीक है. बांग्लादेश में. और वो जो 5 रुपए का कॉइन है उससे 10 रेजर ब्लेड बनाए जाते थे और एक रेजर ब्लेड की कीमत थी 1 रुपया. ठीक है. तो इसी तरह 5 रुपए के कॉइन से उसको मेल्ट करके 10 रेजर ब्लेड बना के 10 रुपए में बेचे जाते थे. मतलब दोहरा प्रॉफिट, 5 के 10 रुपए मिल गए. तो मतलब उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू थी वो उसके फेस वैल्यू से भी ज्यादा थी. ठीक है. तो ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? तो हम देखेंगे कि टोकन कॉइन्स क्या होते हैं. तो टोकन कॉइन्स जो होते हैं उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू. ओके. सो बेसिकली टोकन कॉइन्स आर दोज कॉइन्स इन विच देयर इंट्रेंसिक वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू. ठीक है. तो जो आज हम 50 पैसे का कॉइन देखते हैं, 1 रुपए का कॉइन देखते हैं, तो अगर हम उस 1 रुपए का कॉइन को मेल्ट करें और उसका जो मेटल निकलेगा और उस मेटल को हम अगर हम बाजार में बेचने जाए तो हमको 1 रुपए से कम ही पैसे मिलेंगे. ठीक है. तो मतलब क्या, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है उसके फेस वैल्यू से कम है. ठीक है. तो फुल बॉडीड कॉइन्स जो है उनका जो मेल्टिंग होता था और उससे जो स्मगल किया जाता था वगैरह वगैरह, उसके लिए, उससे बचने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉइनेज एक्ट 2011 उसमें प्रोहिबिट किया कि मेल्टिंग ऑफ कॉइन इज इलीगल. ठीक है. और उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्यूप्रो निकेल के जो मेटल है वो यूज करना चालू किया. ठीक है. मतलब हमारे जो अभी के कॉइन्स है उसमें क्या है, कॉपर और निकल, ये दो मेटल है, उनको दोनों को यूज किया जाता है. तो जब भी अगर कोई उसको मेल्ट भी करे तो वो क्या हो गया, उसको इम्प्योर हो गया और उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी अगर कोई मेल्ट भी करता है जो क्यूप्रो निकल के कॉइन्स रहते हैं. ठीक है. हमने देखा है कि कैसे वो साइड से तांबे के रहते हैं और बीच में से निकल के कॉइन रहते हैं. ठीक है. थीके? हमारे 10 के 5 के जो कॉइन्स है अभी नए आए हुए वो उसी तरह के हैं. ठीक है. थीके? तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने क्या देखा कि पहले तो कमोडिटी मनी थी, फिर मेटालिक मनी आया. ठीक है. और उसके बाद आया पेपर मनी, दैट इज पेपर मनी, टोकन मनी. और उसमें हम सीखेंगे कि फियाट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है. ठीक है. तो पेपर मनी,
तो ये हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि पहले कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए और उसके बाद पेपर मनी आया। ठीक है, तो पेपर मनी क्या होता है? तो इसको हम सभी जानते हैं कि जो हमारे नोट्स के रूप में जो मनी होता है उसे हम पेपर मनी बोलते हैं। ठीक है, तो फियाट मनी क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फियाट मनी। ये क्या है फियाट मनी, मतलब क्या होता है? तो फियाट मनी, इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, करेंसी और नोट्स, और समटाइम्स इन द वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन। इट इज इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो मैं रेड में इसको सर्कल कर रहा हूं, ये आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, उसे बोलते हैं फियाट मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मन में कुछ ख्याल आया कि चलो मैं खुद की नोट बना लेता हूं, मैं गांधी जी का उसमें जो जो फेस है उसको हटा के मेरा खुद का फेस लगा देता हूँ, मेरा खुद का साइन कर देता हूँ, और ऐसे कुछ 10 लाख के नोट में छाप देता हूँ, और अगर वो नोट लेके मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा और मैं कुछ खरीदने के लिए उसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दुकानदार को मैं बोलूंगा कि मुझे 10 किलो गेहूं दे दे, और मैं उसको मेरे खुद के नोट ऑफर करूंगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? विल ही एक्सेप्ट माई नोट्स? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज नॉट इश्यूड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी। मैं कोई अथॉरिटी हूं क्या? इस कंट्री में मैं रहता हूं, मैं कोई अथॉरिटी हूं क्या? नहीं। अथॉरिटी कौन है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जिस मनी को, जो मनी वहां की अथॉरिटी ने या फिर सेंट्रल बैंक ने या फिर जो कोई भी वहां पे किंग क्वीन जो कोई भी हो उन्होंने इशू की होती है, उसे बोलते हैं फियाट मनी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फियाट मनी। ओके, फियाट मनी का मतलब बेसिकली क्या, कि जो भी गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी बाइंड, जो भी वहाँ पे जो अथॉरिटी है, जिस भी कंट्री में जो भी अथॉरिटी है, वो जो कोई भी नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह इशू करती है उसे बोलते हैं फियाट मनी। ठीक है, हम और आप अगर कोई मनी इशू करने लगे तो उसे फियाट मनी नहीं बोलेंगे, और वो एक्सेप्टेड भी नहीं है, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इशूज विथ पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट ऑल कॉइन्स अप टू 1,000 एंड ₹1 नोट। ओके, तो हमारे यहाँ पे नोट्स और करेंसी कौन इशू करता है? हमारे इंडिया में जो 1 रुपए का नोट है और जो कॉइन्स है, सभी के सभी कॉइन्स, ठीक है, 1 रुपए से लेकर 1,000 तक, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, और हमारे जो बाकी के नोट्स है, 1 रुपए का नोट छोड़ के, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, करेंसी नोट्स अदर देन ₹1 आर इशूड बाय गवर्नर। ओके, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, जो भी हमारे कंट्री की, जो भी जिस भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सी है, मतलब केंद्रीय जो बैंक है वो कौन सी है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपए का नोट छोड़ के बाकी के सारे नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी नोट इशू किए जाते हैं उन पे वो गवर्नर का प्रॉमिस रहता है। ठीक है, मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे गवर्नमेंट का सॉरी गवर्नर का साइन भी रहता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये नोट हमारे अथॉरिटी ने इशू किए गए हैं और वो गवर्नर का साइन भी है उस पे। ठीक है, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर दैट ₹1 का जो नोट है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कॉइन्स इशू करती है और 1 रुपए का नोट इशू करती है, और 1 रुपए का नोट छोड़ के बाकी जो करेंसी है हमारी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही अथॉरिटी क्यों नहीं सब इशू करती, तो ये हमको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी पूछने भी नहीं वाली, क्योंकि ये सालों से ये यही सिस्टम चला रहा है और ये
आगे भी यही चल रहा है, तो इसीलिए वी विल नॉट गो इन टू दैट कि ऐसा क्यों किया जाता है। हमको बस ये समझना है कि रुपीज, 1 रुपए का नोट और जो सारे कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इशू किए जाते हैं, और 1 रुपए का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। और जो हमारे नोट्स है 1 रुपए से लेकर जो भी हमारे 1,000 2,000 के नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, और उस पे गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। ओके, तो फियाट मनी हमने समझा। ठीक है, नाउ लीगल टेंडर क्या होता है। ठीक है, ये जो फियाट मनी है और ये जो लीगल टेंडर है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स। ओके, सो लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है। When a fiat money is legally valid for all debts and transactions through the country, it is called as a legal tender. Okay? जो भी fiat money है, जो भी government ने issue की गई money है, वो legally valid है हमारे country में, और buy and sell करने के लिए उसे बोलते हैं legal tender. ठीक है? अगर मैं 100 रुपए का नोट ले जाके किसी दुकानदार को बोलूं कि मुझे 100 रुपए, ये 100 रुपए लो और मुझे 5 किलो शक्कर दे दो या फिर कुछ भी दे दो, तो वो जो दुकानदार है ही विल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट नोट। ठीक है, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग है उस पे। ठीक है, इंडिया में सभी लोगों पर लीगली बाइंडिंग है कि जो 100 रुपए का नोट हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो वो उस पे चार्ज लगता है, मतलब वो इलीगल है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और उसको उस पे केस भी चल सकता है और उसको बाद में जाके सजा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, मीन्स लीगल टेंडर इज ऑलवेज अ फियाट मनी। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि जो हमारे बैन किए गए जो 1,000 के और 500 के नोट है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, क्या वो लीगल टेंडर है। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, नो नीड टू टर्न ऑन योर माइक प्लीज, नो नीड टू टर्न ऑन योर माइक। ओके, नो नो, टू ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, नो, वेरी गुड, राइट। तो जो जो नोट हमने बैन किए गए हैं वो अभी लीगल टेंडर है क्या? नहीं, लेकिन वो फियाट मनी है क्या? यस, इट इज फियाट मनी। व्हाई इट इज फियाट मनी? बिकॉज जब वो इशू किए गए थे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू किए गए थे, लेकिन वो अभी लीगल टेंडर नहीं रहे। ठीक है, वैसे ही जो मुगलों के जमाने के कॉइन्स थे, जो मुगल राजाओं ने महाराजाओं ने इशू किए गए थे, वो फियाट मनी है क्या? इज इट फियाट मनी? यस, इट इज फियाट मनी बिकॉज इट इज इशूड बाय दैट रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, बट इज इट लीगल टेंडर? अगर मुगल जमाने का कोई कॉइन लेके मैं कुछ खरीदने जाऊंगा तो कोई खरीदेगा क्या? वो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? नो, बिकॉज इट इज नॉट लीगल टेंडर एंड इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दैट सेलर और बायर टू एक्सेप्ट दैट कॉइन। ओके, सो इसे कहते हैं लीगल टेंडर। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, एटीएम कार्ड, बिटकॉइंस आर नॉट लीगल टेंडर। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जब वो आएगा तो हम उसको सीखेंगे। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, तो बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स होते हैं कंपनीज के, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट रहता है, देन चेक। ठीक है, हम चेक साइन करके उसको चेक साइन करके भी हम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे कुछ खरीदना है और 10 लाख रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी है तो मैं उस दुकानदार को 10 लाख रुपए का चेक साइन करके दे सकता हूँ, लेकिन वो दुकानदार उसको रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया तो वो इंडिविजुअल बात है। ठीक है, लेकिन वो अगर रिफ्यूज करता है तो इट्स ओके बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर। लेकिन नोट अगर मैं कैश में उसे दू तो वो उसे एक्सेप्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे ही एटीएम कार्ड, अगर हम किसी मॉल में जाए कुछ खरीदे और हमारे पास एटीएम कार्ड है, कैश नहीं है, और वहां पे हमको वो बोल दे कि एटीएम कार्ड नहीं लेते हम, सिर्फ कैश लेते हैं, तो
तो उस पर कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी, बिकॉज एटीएम कार्ड इज नॉट ए लीगल टेंडर, ठीक है? उसको रिफ्यूज कर सकते हैं बिटकॉइंस, बिटकॉइन भी क्या है कि लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है? जो बिटकॉइन अभी आया है क्रिप्टो करेंसी, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बिटकॉइन इज लीगल नॉट अ लीगल टेंडर, ठीक है? तो लीगल टेंडर में भी क्या है, दो टाइप है, दो टाइप है। द फर्स्ट वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर्स एंड द सेकंड वन इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, ठीक है? तो लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? ओके, तो पेमेंट बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट कैन बी रिफ्यूज्ड, ओके? सो कैन, ठीक है? पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट कैन बी रिफ्यूज, उसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, ओके? और जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है उस पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के कॉइन है, वो एक सर्टन लिमिट अमाउंट में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से कोई चीज खरीदी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और मैं उसे 1 लाख रुपए के कॉइन्स, 1-1 रुपए के ऑफर करता हूं, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि कॉइन्स आर नॉट इन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है? कॉइन्स को आप एक लिमिट में ही किसी को ऑफर कर सकते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है? जो हमारा कॉइनेज एक्ट है 2011 का, वो क्या बताता है कि 1 रुपए और उसके जो अबो के कॉइन्स है वो हम 1,000 रुपए तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई 1,000 की चीज आपने खरीदी है और आप 1,000 रुपए के कॉइन्स उसको ऑफर करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप अगर 1,001 रुपए भी उसको देना चाहोगे और वो कहेगा मैं नहीं ले सकता, तो इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है? क्योंकि इट इज लिमिटेड लीगल टेंडर, 1,000 के ऊपर के कॉइन को वो रिफ्यूज कर सकता है। वैसे ही 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो हम ज्यादा से ज्यादा 20 यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब 50 पैसे के कॉइन से हम 10 रुपए की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो मतलब खरीद भी सकते हैं, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिफ्यूज करता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और जो बिलो 50 पैसे के जो कॉइन है वो विड्रॉ किए गए हैं 2011 में, ओके? तो दिस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि कौन से ईयर में 50 पैसे के कॉइन विड्रॉ किए गए हैं, ओके? तो ये हो गया कॉइन्स के बारे में। नोट्स के बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे? नोट्स होते हैं उनको बोला जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नोट्स को हम अनलिमिटेड किसी भी अमाउंट में हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको किसी को भी बाय और सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 है, ठीक है? तो यहाँ पे आरबीआई का एक्ट है 1934, ठीक है? आरबीआई का एक्ट जो है 1934 का, उसके मुताबिक उसका सेक्शन 26 क्या कहता है कि एवरी बैंक नोट इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट इन इंडिया, ठीक है? डेट इन इंडिया मतलब जो बैंक नोट जो होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है? तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है कि रियल लाइफ में ये कहा जाता है कि मतलब ऐसा लीगली तो ये है कि जो नोट है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का, उसमें क्या बताया गया है कि हम कैश में ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए के लिए ही सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है? 2 लाख रुपए के आगे का जो ट्रांजैक्शन है हम कैश से नहीं कर सकते। आपको कैश क्यों किया गया है? क्योंकि 2017 के बाद आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था कि 2 लाख रुपए तक का ही आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और 2 लाख के ऊपर का जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो आप डिजिटली करें, ठीक है? ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये चीज गवर्नमेंट ने की थी, ठीक है? तो एट लास्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको
पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं उसको पढ़ता हूँ और आप उसका जवाब दे, ठीक है। ये प्रीवियसली आस्क प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है। तो एवरीबडी रेडी? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन आप भी खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? पहला ऑप्शन है, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस। सेकेंड, द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। थर्ड वन, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। एंड फोर्थ वन इज द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है। तो उसका इसका क्या आंसर हो सकता है, आप में से कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो आप लिखिए। ओके, समबड़ी सेइंग डी, समबड़ी सेइंग बी, सी, किसी ने सी भी बोला है यहाँ पे, बी बी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। अभी हमने लीगल टेंडर के बारे में पढ़ा, लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है कि इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन एवरीबडी, मतलब खरीदने और बेचने वाले दोनों को बाइंडिंग है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते, आपको लीगली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनकी फी देने के लिए जो पैसे यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि डी, ठीक है, द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। तीसरा सी क्या है, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, ठीक है। तो सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, हमने अभी पढ़ा कि चेक्स, ड्राफ्ट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। जब हम किसी को चेक ऑफर करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, वो चेक को रिफ्यूज कर सकता है, वो बोल सकता है कि मुझे आप कैश में ही पेमेंट करो, क्योंकि चेक्स क्या है, लीगल टेंडर नहीं है। तो सी भी गलत हो गया। अब बी को देखते हैं, तो बी क्या है, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे प्रकार के मनी जो क्रेडिटर है, मतलब जो देने वाला है या फिर लेने वाला है, वो अंडर कंपल्शन है, मतलब उसके ऊपर लीगली कंपल्शन है कि जो भी उसके सेटलमेंट से जो खरीदना वो बेचना चाह रहा है, वो उसको उसके लिए वो जो मनी लीगली बाइंडिंग है उसे बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? ओके ओके ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो फर्स्ट और थर्ड तो रॉन्ग ही है, ठीक है, बी करेक्ट है। तो डी क्यों करेक्ट नहीं है, द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है। तो मेटेलिक मनी जो सर्कुलेशन में है वो भी लीगल टेंडर है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है कि कुछ आंसर कुछ परसेंट में सही भी होते हैं, अगर डी ऑप्शन को देखे तो फुल्ली रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बी है वही सही डेफिनेशन या फिर लीगल टेंडर का जो मतलब 100% कोई बता रहा है, कोई सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है वो, तो वो बी है, ठीक है। दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लास्ट आखिरी का क्वेश्चन करके जाते हैं और उसके बाद वी विल स्टॉप हियर। लास्ट का क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन
कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर द ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट. तो उसका क्या आंसर हो सकता है, प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स. पहला स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा. सेकेंड वन इज कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया. ओके, ऑप्शन ऑप्शन कोई बी बोल रहा है, सी बोल रहा है, डी बोल रहा है. ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था 2011 में. तो 2011 के हिसाब से वन और टू ये दो भी आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन सी उसका आंसर है, ठीक है. इन इंडिया मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा. तो 2011 में जो 50 पैसा का कॉइन है वो भी एक्सेप्टेबल था ट्रांजेक्शन के लिए. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कॉइन्स बिलो 50 पैसा इज नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट. तो 2011 का एग्जाम से पहले ही गवर्नमेंट ने 50 पैसे के नीचे के जो कॉइन्स है उनको लीगल टेंडर नहीं है ऐसा घोषित किया था, ठीक है. तो बोथ वन एंड टू करेक्ट. लेकिन आज 50 पैसे का कॉइन क्या है, लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर ओनली वन इज देयर, ठीक है, सॉरी टू इज देयर. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, टू. इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे, द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज नाइदर वन आर नॉट टू, ठीक है. 50 पैसे अभी ट्रांजेक्शन के लिए यूज भी नहीं किए जाते, और कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट लीगल टेंडर पेमेंट, सॉरी, ठीक है. तो जो सेकेंड जो स्टेटमेंट है, कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट, इट इज राइट करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. ओके, तो जो आज अगर हम देखें तो ओनली वन इज करेक्ट, मतलब जो ए है वो करेक्ट है, लेकिन 2011 में द आंसर वॉज बोथ वन एंड टू, ठीक है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टूडेज लेक्चर. ओके, सो एवरीबॉडी डोंट लीव, आई विल टॉक टू देम. ओके सर. So you can understand these lectures are taken with a understanding that we have 11 student, we have 12 student, we may have 9-10 student, and we may have students who are in FY or SY of their graduation. So considering these facts, we are going ahead with the concept which is fundamental, and fundamental based little details of those fundamental extended in the form of application or little extra information, and then immediately we will be talking about what kind of questions are asked in MCQ or similar type of questioning for some specific examinations like state PSCs or UPSC or some other CET or other related exams. So this is how we are going to go ahead, only thinking that this will make you basic framework that exactly aapko padhte waqt kis cheez pe dhyan dena hai. जैसे दो सिंपल सवाल सर ने पूछे थे, बट फिर भी इतना कंफ्यूजन था कि ए बी सी डी है तो इधर 16 लोग है, 16 लोगों ने ए बी सी डी के सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लिख दिए. तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी एंड सिमिलर एग्जामिनेशंस आर लिटिल डिफरेंट. यू मे फील दैट योगेश सर तो वही बता रहे थे, तो हम तो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी पढ़ा इसका तो सब आ गया इसमें. बट ये सोचना होगा कि कोई बीएससी आईटी कर रहा है, कोई साइंस कर रहा है, कोई आर्ट्स कर रहा है, कोई नाइन्थ में है, तो इन जनरल हमको सबको साथ में लेके चलना है. तो एक साल आपको इस फंडामेंटल पे ध्यान देना होगा और दूसरे साल हम लोग आपकी तैयारी करके लेंगे. तो मिनिमम 2 साल का पीरियड लेंगे, तो 2022 की एग्जाम के लिए कोई तैयार होना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम, एंड उसके बाद कोई एग्जाम देना चाहता है तो ऑब्वियसली दे विल बी मेड टू ऑर्डर एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और उसके आगे जो है, जैसे कुछ 11 के अच्छे बच्चे हैं, तो 5 साल इज अ सफिशिएंट पीरियड फॉर देम
कि वो 5 साल बाद जब कम अटेम्प्ट देंगे तो दे विल बी क्वाइट श्योर दैट हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशंस व्हिच कैन बी फुलफिल्ड। ये सारी चीजें दिमाग में आप पक्का रखिए। एक ही चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी पैसे देने के बाद भी, टाइम पे आना है तो आना है, नहीं तो मत आइए। ओके, ये चीज आप पक्का याद रखिए। ओके, अभी एक छोटी कंप्लेंट जो नए हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है ऐसा एक इंडिविजुअल को लगता है तो आपको अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है तो आपको चैट बॉक्स में लिखते रहना चाहिए ताकि जो टीचर इंस्ट्रक्टर है उनको क्लैरिटी आ जाए कि सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ दीपाली मैडम ने लिखा है मतलब बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है, मतलब नेटवर्क का मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आज के लिए गुड नाइट, कल शाम को 9 बजे आपका सीसैट रिलेटेड मतलब सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में रीजनिंग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज ली जाएगी। दैट विल बी योर फोर्थ लेक्चर एंड इमीडिएटली ऑन सैटरडे मॉर्निंग और इवनिंग वी विल कंटिन्यू विद द फिफ्थ लेक्चर, एंड सैटरडे संडे में आपसे बात करेंगे एट द एंड ऑफ फिफ्थ लेक्चर अबाउट द पेमेंट फॉर्मेलिटीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ आपत्ति है तो मेरे अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आपको कुछ डाउट्स है तो भेज देने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा नंबर लिख के दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी डाउट्स है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप मीटिंग लीव लीव कर, यू कैन लीव मीटिंग इन केस नो डाउट एग्जिस्ट। ओके सर, आपका कंटिन्यू करेंगे अगली बार, दूसरे सर, फिर चौथे सर, पांचवे सर, इस तरीके से ताकि आपको आइडिया आए कि कौन से सर और मैडम आपको पढ़ाने वाले। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।